अभी शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो खुद सिलवा कर पहन लेंगी। ये देखें, इस पे भी बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है, कढ़ाई का काम हुआ हुआ है। मुझे तो दोनों आप बोल के जो है ना सबसे बहुत ही सारे कमेंट आते हैं कि मैं जो है भाभी भाभी क्यों लगी रहती हूँ, आपकी दोस्त है तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो आप दोस्त बोले हैं या फिर नाम से बुलाए लेकिन भाभी ना बोले, इसलिए मैं भाभी बोलती हूँ अस्सलाम ताकि। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज जो है मैं बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जो है ना पहली ईद को वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर बनाई नहीं है, दिल ही नहीं करा बनाने को। मैंने सोचा चले आज तो मैं बना ही लेती हूँ, घर में बोर हो रही थी। और जो है मैंने शादी की कुछ शॉपिंग भी की थी, वो भी आप सबको दिखाऊंगी। और अभी जो है थोड़ी देर में मेरी दोस्त यानी कि होने वाली भाभी भी आने वाली है। दोस्त है तो अक्सर मुंह से दोस्त निकलता रहता है, लेकिन अब आप सबको तो मैंने भाभी के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है, तो भाभी भी आने वाली है थोड़ी देर में। वो भी पहुंच जाएंगी 5-10 मिनट में, तो बस उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं जो है सुबह से इतनी बोर हो रही थी, इतनी बोर, मैंने सोचा उन्हें भी बुला लेती हूँ, उनका भी दिल लग जाएगा, मेरा भी दिल लग जाएगा, आपस में थोड़ी बातचीत कर लेंगे, गपशप कर लेंगे, थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा। यानी कि उनकी भी बोरियत खत्म, मेरी भी बोरियत खत्म, क्योंकि वो भी घर में अकेली होती है, मैं भी अकेली होती हूँ। खैर अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगी। मैं जाती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ अच्छी तरीके से, थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो तैयार होने को दिल नहीं, अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो लेती हूँ, सुबह से ऐसी ही बैठी हुई हूँ, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और अभी जो है सभी आराम कर रहे हैं, भाई भी आराम कर रहे हैं, पापा भी आराम कर रहे हैं, इनको भी जाके बताती हूँ कि भाभी आ रही हैं। तो मैं भी रेडी हो गई थी और अभी मेरी भाभी भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है ना आज काफी दिन बाद मिलना हो रहा है, हम सफारी पार्क गए थे ना तब मिले थे, 3-4 दिन गुजर गए, ज्यादा दिन गुजर गए, बल्कि हफ्ता तो हो गया तब हम मिले थे और आज मिल रहे हैं। और जो है ना काफी दिन बाद मिल रहे हैं तो अच्छा है, मजा आ रहा है, गपशप लग रही है, क्योंकि जो है ना हुरेन भी अपने घर अभी में तो मैं बोर हो रही रही हूँ, थी। अभी बातें हाँ शातें करेंगे बातें हम शाते बैठ। कर रही है, पहले ही हमने इतनी सारी बातें कर ली है, 5 मिनट हुए हैं आए हुए भाभी को। और ये मेरी भाभी भी है, आप सबको ये भी पता है, मैं जो है ना अक्सर बोल देती हूँ दोस्त, क्योंकि दोस्त है तो मुंह से दोस्त ही निकल जाता है, लेकिन ये मेरी भाभी है तो अब आप सबको भाभी बोलूंगी कि आप सबके सामने कि ये मेरी भाभी है। और अभी जो है पापा भी अंदर आराम कर रहे हैं, भाई भी अंदर आराम कर रहे हैं, भाई भी आए थे 5 मिनट के लिए, बैठे यहाँ पे बातचीत की, फिर अंदर गर्मी वापस चले गए। गर्मी तो गर्मी बहुत हो रही है, लगी आपने एक तो अबाया पहना हुआ है, गर्मी तो लगेगी। फिर ऊपर से ब्लैक अबाया, ब्लैक में ज्यादा ही लगती ब्लैक चीज में वैसे ज्यादा गर्मी लगती है, चलें फिर उतार दें अबाया, थोड़ा आती हूँ, ठंडी ठंडी हो हो जाए। जाती तो है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और भाभी भी अपने घर जा चुकी हैं। और आप सबके जो है ना बहुत ही सारे कमेंट आते हैं कि मैं जो है भाभी भाभी क्यों लगी रहती हूँ, आपकी दोस्त है तो अभी शादी भी नहीं हुई है तो आप दोस्त बोले हैं या फिर नाम से बुलाए लेकिन भाभी ना बोले, इसलिए मैं भाभी बोलती हूँ ताकि मुझे भी अजीब ना लगे भाभी की शादी के बाद भाभी को भाभी बोलना। भाभी को भी आदत हो जाएगी, मैं तंग भी करती रहती हूँ, इसलिए जो है ना मैं अभी से ही खुद को आदत डाल ली हूँ ताकि मैं भाभी बोलूँ, नहीं तो फिर बाद में मुझे मुश्किल होगी, हंसी आएगी बोलने में। अभी से खैर मुझे आधे से ज्यादा आदत हो गई है भाभी बोलने की, इतना ज्यादा अजीब नहीं और मैं लगता। इंशाल्लाह आगे भी भाभी बोलूंगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो उन्हें मेरी भाभी बनना ही है, तो क्यों ना मैं अभी से बोलना स्टार्ट कर दूँ। जैसे एक और रिश्ता हमारे घर में आने वाला है जो कि मेरी अम्मी का होगा, तो खैर मैं बाद में भी उन्हें अम्मी बोलूंगी, अभी से कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें अम्मी बोलूँ, क्योंकि बाद में भी हमें अम्मी ही बोलना है, क्योंकि वो रिश्ता ही अम्मी का होगा तो अम्मी लाजमी बोलना है, ऐसे ही मैं भाभी बोलना अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं फिलहाल जो है ना कपड़े निकाल के लाई हूँ अपने अलमारी से जो कि मैं खरीद के लाई थी शादी के लिए। एक सूट तो मैंने पहन लिया था शादी के लिए जो लाई थी, क्योंकि जो है मेरा दिल कर रहा था मैं निकाल के पहन लूँ, शादी पे रिपीट कर लूंगी। खैर वो तो आप सबने देख लिया, लेकिन अब मैं दोबारा से दिखा दूंगी कि मैं वो शादी के लिए कौन सा सूट लाई थी। सबसे पहले तो जो देखा हुआ है ना आपने, वो ही देखने मैंने लिया था शादी के लिए, ये सूट जो कि कमीज शलवार है, मेरा दिल कर रहा था मैं दोबारा पहन लूँ इसको, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पहन लूँ इसको, तो मैं जब सफारी पार्क गई थी तो मैंने ये पहन लिया था। और अब जो है शादी में कुछ दिन बाद दोबारा रिपीट कर लूंगी, कोई नहीं वो तो घूमने के लिए गई थी जब पहना था, अब रिपीट करूंगी इसको। ये है कमीज शलवार, ये कमीज है, इसके नीचे इसका ट्राउजर है और दुपट्टा बड़ा प्यारा है इसका, सिंपल सा। और अब जो है अपने दूसरे सूट की तरफ चलते हैं जो कि अभी तक आप लोगों ने भी देखा, ये मैंने जो है ना निशा आपी के साथ शॉपिंग की थी। आप सबको पता है निशा आपी के साथ जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी यहीं कराची में, जब आपी आई हुई थी तो हमने जो है ना बहुत सारी शॉपिंग की थी, मैंने की थी, बच्चों की थी, निशा आपी ने अपनी की थी, बहुत सारी चीजें हमने आप सबको नहीं दिखाई, ऐसी उसमें जो है ना ये भी शामिल है जो कि मैंने अभी तक दिखाई नहीं। तो खैर अब दिखा देती हूँ, मैंने सोचा था आराम से सुकून से दिखाऊंगी जब शादी करीब होगी, अभी रखे रहने देती हूँ। तो ये देखें जी, ये है इसकी शर्ट जो कि है फ्रॉक, ये है नेवी ब्लू कलर, ब्लैक नहीं है, ब्लैक ब्लैक लग रहा है लेकिन ये है नेवी ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा सूट है। और ये रहे इसके बाजू, और ये देखें ये पूरा है। तो
तो आप सब बताना कैसा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। इसके साथ है इसका ये ट्राउज़र, जो कि मैंने शलवार ही ली है, क्योंकि मेरा जो है ना इस बार कोई शरारा गरारा लेने का मूड नहीं था, इसलिए शलवार है इसकी। और इसका साथ दुपट्टा बहुत प्यारा है, जो कि हेवी काम हुआ हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन हल्का है लेकिन बहुत प्यारा लगेगा, आप देख सकते हैं प्यारा लगेगा। ये भी नेवी ब्लू है, यानी कि पूरे सूट का थीम जो है ना नेवी ब्लू, गोल्डन और लाइट पिंक, तीन चार कलर आ रहे हैं, बस तीन कलर आ रहे हैं, और बहुत ही प्यारा सूट है। मेरा जो है ना दुकान पे देखते के साथ दिल आ गया था। पहले तो मैंने निशा आपी के साथ इतने सारे कपड़े निकलवाए थे दुकान पे, समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर एंड में जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मेरा दिल आ गया। तो खैर ये मेरे दो सूट हो गए शादी के लिए, क्योंकि हम सिर्फ दो फंक्शन में जा रहे हैं, बाकी और किसी फंक्शन में जाने का मूड नहीं है। जो मेन मेन फंक्शन होते हैं ना, बस उन्हीं में जाएंगे। और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि शादी में आप इतने हेवी सूट पहनेंगी, तो सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर जो है ना सब ऐसे ही सूट पहनते हैं, हमसे भी ज़्यादा ज़्यादा हेवी पहनते हैं। तो मैंने फिर भी अपनी एज के हिसाब से लिए सिंपल टाइप के, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़्यादा हेवी सूट पहने जाते हैं यहाँ शादी में। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से ये कमेंट करते हैं कि आप अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहना करो या फिर गर्मी देखकर पहना करो। देखें, इंसान को अगर शौक हो, दिल हो, अगर प्यारा लग रहा हो ना उसमें, तो बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। सामने वाले को हम ना देखें तो बेहतर है, खुद की पसंद को हम उसके साथ रखें, खुद को देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मुझे पसंद आए, मेरे लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह आप सबको भी पसंद आएंगे, आप सब भी कमेंट में बताना। और शादी में जैसे ही पहनूंगी ना, तो आप सबके साथ तो शेयर करेंगे ही कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी मैं आई हुई हूँ निदा आपी के घर पे। जैसा कि आप सबको पता है कि निशा आपी ने जो है ना निदा आपी को एक चैनल बना के दिया है, तो इसीलिए जो है ना कल भी हम यहाँ पर आए थे, आज भी हम आए हैं, क्योंकि निदा आपी की अभी हमने बनवानी है फर्स्ट व्लॉग। क्योंकि जो है ना आप सबको पता है, जब फर्स्ट व्लॉग होती है ना, पहली दफ़ा इंसान कैमरा फेस करता है तो बड़ी मुश्किल होती है, मैंने भी की है तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई थी, लेकिन निदा आपी को ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि निदा आपी ने कभी ऐसा काम किया नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। मैंने तो देखा भी था, निशा आपी को देखा था और मैं देखती रहती थी व्लॉग्स वगैरह, निदा आपी को इतना ज़्यादा व्लॉग्स के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए कल भी हम आए थे आपी को समझाने के लिए, एक वीडियो की भी कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन खैर आज बनवाएंगे हम निदा आपी से वीडियो, कोशिश करेंगे, मैं भी साथ दूंगी आपी का, क्योंकि आप सबको पता है पहली व्लॉग है, पहली व्लॉग में तो हर कोई हिचकिचाता है, हर कोई घबराता है, कंफ्यूज हो जाता है। कोई नहीं, इंशाल्लाह बन जाएगी आज व्लॉग और आप सबके पास भी आ जाएगी। आप सबको तो पता ही होगा कौन सा चैनल है निदा आपी का, अगर नहीं पता तो निशा आपी के चैनल पर जाकर पता चल जाएगा। खैर अभी यहाँ पर आए हैं तो काफी देर से गपशप चल रही थी, अब जो है ना हम अपना काम करेंगे जिस काम से आपी के घर से जो है फिलहाल हम लोग आ गए थे। और बाहर जो है अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका है और लाइट भी हमारी जो है गई हुई है। और फिलहाल अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक चार्जिंग लाइट जल रही है, जो कि जिसकी हेल्प से नेहा यहाँ पर बना रही है रोटियाँ, क्योंकि भाई खाना तो बना नहीं था हमारे घर में, आते के साथ ये रोटियाँ बना रही है। और इसके साथ जो खाएंगे हम लोग भाई, वो खाएंगे यहाँ पर, ये देखें जी, ये आए हैं शामी कबाब, ये आए हैं मेरे ससुराल से। और ये कबाब के साथ मैंने बनाया जी रायता। रायता मैंने इसलिए बनाया क्योंकि भाई नेहा को यहाँ पर रोटियाँ बनानी थी, मैंने सोचा यार भूख लग रही है तो मैं ये रायता वगैरह बना लेता हूँ। अंडा भी मैंने यहाँ पर फेंट कर रख लिया ताकि नेहा की हेल्प हो सके, ये रोटियाँ बना लेगी तो फ़ौरन से ये कबाब तलेगी और फिर खाना खाएँगे। और अभी फ़िलहाल पूरे घर में जो है अंधेरा हो रहा है, दोनों कमरों में देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, क्योंकि भाई बार बार लाइट चली जाती है। और चार्जिंग लाइटें जो है हमारी, चार पांच चार्जिंग लाइटें थी, सबके सब ख़राब हो चुकी हैं, बस ये एक ही बची है, अल्लाह मालिक है ये भी किसी दिन ख़राब हो। तो अभी खाना वगैरह हमने खा लिया और खाना खाते खाते हमारी लाइट भी आ गई थी। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि लाइट आ गई, सुकून से हवा में बैठे, इतनी गर्मी लग रही थी। एक तो पहले ही मैंने चूल्हे के ऊपर काम किया इतना, और फिर गर्मी में जो है खाना खाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन लाइट आ गई तो अच्छा है। और अभी भाई और पापा दोनों गए हुए मार्केट, दोनों को सुबह से कोई काम था मार्केट में लेकिन जा नहीं पा रहे थे, बिजी थे, लेकिन अब भी टाइम मिला है तो अब दोनों गए मार्केट, जो भी कुछ खरीदना है ना वो खरीद कर आएंगे। पापा मार्केट गए तो अभी अभी घर पर पहुंचे, तो मैंने सोचा आप सबके साथ जो है ना शेयर कर दूं कि पापा क्या खरीदने के लिए गए थे इस टाइम, वो भी मार्केट। तो मैं बताती हूँ, जैसा कि आप सबको पता है अभी कुछ दिन में मेरी कज़न की शादी आने वाली है, मेरे भाई की भी शादी है, मेरी कज़न की भी शादी है, यानी कि दोनों मेरे कज़न ही हैं लेकिन दोनों बहन भाई हैं, वो आपस में दोनों की शादी आ रही है। तो लड़के को तो हम देखते हैं कुछ देंगे, लेकिन लड़की के लिए जो है ना हमने ड्रेस वगैरह लेने थे, सूट लेने थे, तो वो पापा लेने के लिए गए हुए थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये दो सूट हैं जो कि मेरी कज़न के लिए पापा लेकर आए हैं। ये मैं खोल कर दिखाती हूँ, आपको पता है गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से
एक ये रहा, ये देखें ये भी प्यारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी, क्योंकि हमें जो ये पसंद का तो पता नहीं था, बस हमें जो है ना ये था कि दिखने में अच्छे लगे, सूट अच्छे वाले कपड़े हों इसलिए लेकर आ जाएंगे। तो हमें पसंद का पता होता तो उनकी पसंद के हिसाब से लेकर आते। तो ये हो गया एक सूट, अब दूसरा सूट दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी एक सूट ये आ गया, ये रहा दूसरा सूट, ये देखें जी ये वाला और भी प्यारा है, ये उससे ज्यादा प्यारा है, ये लग रहा है हाँ शादीशुदा लड़कियों के लिए है, क्योंकि अभी शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो खुद सिलवा कर पहन लेंगी। ये देखें इस पे भी बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है, कढ़ाई का काम हुआ हुआ है, मुझे तो दोनों बहुत बहुत प्यारे लगे। खैर अब ये जो है ना कल पापा देने के लिए जाएंगे, सभी जाएंगे, बड़े अब्बू और वो अपनी तरफ से कुछ देंगे, पापा अपनी तरफ से कुछ देंगे, सब मिल बांट के जो है ना कुछ दे रहे हैं, तो हमने सोचा हम सूट दे देते हैं। तो खैर ये तो हो गया, अब इसको पैक करती हूँ, दोबारा से रखती हूँ, ये तो मैंने आपको मैंने दिखा दिए, और अभी रात हो रही है, मैं आराम करती हूँ अपना, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।